जब एनपीएल की शुरुआत हुई थी ना, नेपाली प्रीमियर लीग को लेके जब कहा गया था, तब सबको लगता था कि यार नेपाली प्रीमियर लीग बहुत ही ज्यादा छोटा लीग होगा, बहुत ही छोटा लीग होगा। लेकिन जब एनपीएल का अमाउंट बाहर आया और सबने सुना कि नेपाल प्रीमियर लीग के टीम बिल्डिंग में, सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में इतने पैसे लग रहे, तो सारे लोग पता है रिएक्शन कैसा था, दादा हो दादा इतने पैसे होते हैं। लिटरली ये वाले रिएक्शन जो है लोगों के है अभी सोशल मीडिया के ऊपर, कि नेपाल प्रीमियर लीग के सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में इतने पैसे लग रहे हैं। और उस टीम बिल्डिंग में तीन शहर ऐसे हैं टॉप थ्री में जो तो भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, पोखरा, काठमांडू, जनकपुर। बाकी टीम भी है लेकिन ये तीनों टीमों में मतलब जो पैसे लगे हैं ना, गजब के पैसे लगे हैं। मैंने तो आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, और जो मैं कह रहा था इतने दिनों से कि यार ये जो एनपीएल है, नेपाली प्रीमियर लीग, ये आने वाला दुनिया का दूसरा नंबर वन लीग, मतलब दूसरा लीग बनने वाला है ठीक है आईपीएल के बाद, तो बड़े लोगों को जो है मतलब तकलीफ हो रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था। और अगर मैं अभी ये कह दूं कि आने वाले सालों में ये आईपीएल को भी बीट कर जाएगा, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। बिकॉज अगर इसी तरीके से पैसे लगते रहे, तो आने वाले टाइम में नेपाल में बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज में बड़े बड़े इंटरनेशनल पैसे भी लगेंगे। और आपको मैं एक बात और बताऊं, आप सोचो कि इस एनपीएल में सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो अपने नेपाल के जो ओनर्स है, नेपाल के लोग, नेपाल के जो करोड़पति लोग हैं, सिर्फ उन्होंने पैसे लगाए। जब कैन बोर्ड ये कह दे कि यार हमें इंटरनेशनल लोग भी चाहिए, इंटरनेशनल लोग पैसे लगा सकते हैं, हम हिस्सा रख लेंगे उसमें से, अब सोचो आप कितने पैसे आएंगे। क्योंकि बाहर की कंपनियां ऑलरेडी देख ली ना कि भाई इस टीम बिल्डिंग में इतने पैसे लग गए, ओवरऑल वो तो भाई डबल ट्रिपल देंगे अगली बार से, अगर कैन बोर्ड अलाउ करती है तो सोचो कितने पैसे होंगे। और ये गलत नहीं मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में आईपीएल को टक्कर दे, क्योंकि आप देखो सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में जो है कितने पैसे लगे, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में 16 करोड़ के आसपास जो है लगी है, 16 करोड़, 16 करोड़ 88,93,231 रुपीज जो है सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में। आने वाले टाइम में आपको ये अमाउंट जो है ना वो और हाई जाते हुए दिखेगा, आप शॉक्ड मत होना, अगले साल से ये अमाउंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अच्छा थोड़ा इसका ना कंपेयर मैं पाकिस्तान सुपर लीग से कर देता हूँ और पाकिस्तान की करेंसी से कर देता हूँ। आपको पता है ये जो नेपाल के 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ 88 लाख रुपए, इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज में आप कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाएंगे भाई 34 करोड़ के आसपास, 34-35 करोड़ के आसपास जो है हो जाती है पाकिस्तानी रुपीज में। पीएसएल का बजट ही इतना होता है भाई, आप शॉक्ड मत होना, जितने नेपाली फैंस हो ना शॉक्ड मत होना आप, पीएसएल का बजट ही उतना होता है। अब आप सोचो नेपाल सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग में इतने पैसे लगा रही है, तो भाई पीएसएल के बजट हिसाब से तो नेपाल टीम बिल्डिंग में लगा रही है। अब सोचो ओवरऑल जब नेपाल अपना ये पूरा करवा दे, मतलब एनपीएल खत्म हो जाए ठीक है, ये मतलब रैपअप हो गया, मान लो दिसंबर में खत्म हो गया, फाइनल वाइनल हो गया, उसके बाद हिसाब किया जाए कि यार कितना खर्च हुआ है, कितने पैसे हम लोग इन्वेस्ट किए, कितने कमाए, तो भाई मैं शॉक नहीं होगा कि 80-90 करोड़ रुपए चले जाए नेपाली रुपीज। और आप भी शॉक मत होना, क्योंकि टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा पैसे लगे भाई, लिटरली कह रहा हूँ। कैन बोर्ड तो आज पैसे पे सो रही होगी भाई, कैन बोर्ड पैसे पे सो रही होगी। और मैं आपको हमेशा से कह रहा था कि नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो आने वाला एक खतरनाक लीग होने वाला है एशिया की। और बड़े लोग तो ये भी कह रहे थे यार बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे, अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं आएंगे, बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं आएगा। भाई बाबर आजम को तुम 50 लाख रुपया दो, आप वो दौड़ दौड़ आएगा खेलने के लिए एनपीएल। भाई पैसे, पैसा मैटर करता है, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप दुनिया में कोई भी प्लेयर को उठा लो, पैसे फेंको भाई, देखो खेलने आ जाएगा आपके पास। तो जब देख रहे हैं नेपाल में इतने पैसे लग रहे, तो क्यों नहीं आएंगे, है कि नहीं, खेलने जरूर आएंगे। खैर जो भी है, तीन बड़ी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो फ्रेंचाइज है, एक पोखरा जिन्होंने 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, 3 करोड़ 55 लाख रुपीज के आसपास जो है वो लगी है टीम पोखरा में, 3 करोड़ 57 लाख रुपीज। दूसरे नंबर पे जो है वो काठमांडू है, 3 करोड़ 33 लाख 33,339 रुपीज जो है काठमांडू ने लगाया, और तीसरे नंबर पे जनकपुर है। तो ये तीन फ्रेंचाइज जो है वो करोड़ों रुपए लगाए ये भाई अपनी टीम बिल्डिंग में, और इससे कमाएंगे भी वो लोग एक्स्ट्रा। कमाने वाली वीडियोस में जो है आपको नेक्स्ट वाली बताता हूँ कि कैसे जो है एनपीएल में ये जो फ्रेंचाइज है वो कैसे कमाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका डबल ट्रिपल ये लोग कमाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखो मजा आने वाला है एनपीएल, ठीक है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हो हाइप तो बनी गई है। जिस दिन मैचेस स्टार्ट होंगे, मैं तो कहता हूँ ओपनिंग सेरेमनी भी आप करा देना ठीक है कैन बोर्ड से, और
भाई करा देना ओपनिंग सेरेमनी, कोई एक्टर कौन सा हमारे जो एक्टर है उनको आप बुला लेना, नहीं तो इंटरनेशनल एक्टर को अगर आप बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में हमें जो है कोई एक्टर चाहिए, ये नॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी नहीं चाहिए, गाना बजाना होना चाहिए ओपनिंग सेरेमनी में, तब लगेगा भाई कि एनपीएल मजा आने वाले, मतलब समझ लो ये है। बाकी देखो दोस्तों इसको लेके आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताना, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो ये फ्रेंचाइज है वो कमाएगी अभी एनपीएल में मतलब बहुत सारे पैसे।